देखते हो हॉल में, ये चावल की बोरी है, बड़ी वाली चावल की बोरी है और ऊपर जवान है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है ना, तो ऊपर वाले रूम में जाकर रख देंगे बाहर में। शर्माई में गणेश भी घर पर ही है आज, उसे पहले जाने नहीं है क्योंकि आज भगवान शिव का अभिषेक करना था मंदिर में जाके, तो गणेश को भी साथ में लेके आएंगे। भगवान शिव का अभिषेक करके अभी भी हम घर आ गए हैं, थोड़ा सा टाइम लगा हमें वहाँ पर, 1 से 2 घंटे हमें अभिषेक करने में लगे। फिर बाद में हम आते आते रास्ते में जो शिव मंदिर है वहाँ पर भी हम गए थे दर्शन करने के लिए, जैसे हर साल मैं वहाँ पर जाती हूँ तो आज भी जाकर दर्शन करके आई हूँ। जो भी हम काम करते हैं वो करते रहो तो अच्छा लगता है, अगर कुछ छूट गया ना, कुछ सा हो गया तो मन में ऐसा लगता है कि हमने कुछ मिस कर दिया, तो इसलिए पूरे भगवान की मैंने अच्छे से दर्शन करके आ गई हूँ। मन एकदम तृप्त है, अच्छा भी लग रहा है, मगर किचन की हालत आप देख सकते हो, सुबह मैंने ऐसे ही छोड़ कर गई थी तो देखिए पूरी किचन फैली फैली हो गई है, तो सारी किचन भी समेटनी है। अभी मुझे खाना भी बनाना है, व्रत है मेरा और दिनेश के पापा का, तो सबके लिए लंच बनाऊंगी मैं। दिनेश और पापा जी ने सुबह नाश्ता कर लिया था तो सबके लिए अब लंच बनेगा। जैसे आते आते हमें लेट हो गया, सुबह यहाँ से हम 7:30 बजे 7:45 बजे निकले थे घर से, फिर आते आते हमें दोपहर के 12:30 1 बज रहे, तो मैं चावल बनने के लिए रख दिए, दाल बन चुकी है, जैसे दाल में अभी तड़का लगाना है, दाल पक चुकी है, अरहर की दाल मैंने चढ़ा दी है, चावल पकने के लिए रख दिए हैं, और दिनेश यहाँ पर हरा धनिया तोड़ रहा है क्योंकि हरा धनिया तोड़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और मैं कभी भी तोड़ के ही रखती हूँ मगर इस बार तोड़ना नहीं हो पाया मुझे, धुल कर ऐसे ही रख दिया था फ्रिज में। तो दिनेश जब तक ये हरा धनिया तोड़ रहा है तब तक मैं यहाँ पर सब्जी में छौंक लगा देती हूँ, और सिंपल सी सब्जी बना रही हूँ मैं, क्योंकि टमाटर प्याज ये सारी चीज़ें डाल के एकदम सिंपल सी मगर बहुत ही बढ़िया टेस्टी ये सब्जी लगती है। तो यहाँ पर मैंने ये टमाटर मोटे मोटे काट लिए, प्याज लंबे आकार के काट लिए हैं, और यहाँ पर अरहर की दाल मेरी पक चुकी है, अभी इसमें तड़का लगाना बाकी है, पहले मैं सब्जी बना लेती हूँ। तो टमाटर भी मैंने मोटे मोटे काट लिए, और यहाँ पर तड़के में मैंने प्याज और हरी मिर्च और जो सूखे मसाले होते हैं वो सारे डाल के मैंने थोड़ी देर मिला लिया है, और ज़्यादा प्याज का कलर हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। बाद में मैंने इसमें एक कटे टमाटर डाले और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है, और डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और तब तक पका लेंगे जब तक ये टमाटर गल ना जाए, तब तक हम इसे अच्छे से पका लेंगे धीमी गैस पर ढक कर। बहुत ही बढ़िया ये सब्जी बनती है ग्रेवी की, इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। तो मैंने इसे ढक कर रख दिया है, तो ये देखिए टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, फिर बाद में मैंने निकाल कर रखा है इसे ठंडे होने के लिए, तो ये टमाटर अच्छे से ठंडे हो गए, अब हम इसे एकदम महीन पीस लेते हैं। और इस कुकर में से दाल मैंने निकाल दी है अलग बर्तन में, और इसी कुकर में मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, और किचन का सारा सामान भी मैंने हटा दिया है क्योंकि बहुत फैली फैली किचन हो गई थी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है, अब हम इसे एकदम महीन पीस लेंगे, इसकी एक ग्रेवी बना लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया ये सब्जी बनती है, जब कोई ऑप्शन ना हो ना तो आप ये सब्जी बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैंने एकदम इसे महीन पीस लिया है, और यहाँ पर इमली भी रख दी है मैंने क्योंकि मुझे बनानी है अभी दाल। तो चावल बन चुके, गैस बंद कर दिए, अब हम बना लेते हैं ग्रेवी की सब्जी। तो गैस पर कढ़ाई रख दी, इसमें ऑयल ले लिया है, अब हम इसमें डालेंगे राई, राई को अच्छे से चटकने देते हैं, अब डालेंगे 1 चम्मच जीरा। तो ये जीरा राई अच्छे से चटक चुका है, अब डालेंगे कुछ खड़े मसाले जैसे दालचीनी, इलायची, 2 लौंग, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। अब डालेंगे हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच कसूरी मेथी, ये सारी चीज़ डाल के अच्छे से मिला लेंगे, और गैस धीमी रखेंगे, सूखे मसाले जल्दी से जलने लगते हैं। अब डालेंगे हमें पीसी हुई ग्रेवी, डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये सब्जी ना बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही बढ़िया लगती है, और बनाना भी एकदम आसान है, जल्दी से बन भी जाती है झटपट। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा पानी, वही मिक्सी जारी धुल के मैंने इसमें पानी डाल दिया है, आप चाहो तो इसमें मलाई या फिर दूध वगैरह भी डाल सकते हो, बहुत ही बढ़िया लगती है, मैं कुछ नहीं मिलाऊंगी, बस पानी डाल दिया मैंने। अब ऊपर से डालेंगे हम थोड़ा सा कटा हरा धनिया, और अच्छे से मिक्स करके हम इसे थोड़ी देर पका लेंगे। तो ये देखिए आप इसका कलर देख सकते हो, ये दिखने में जितनी लाजवाब दिख रही है खाने में भी उतनी ही बढ़िया, उतनी ही टेस्टी लगेगी, और बनाना भी एकदम सिंपल है। मेरी सब्जी बन चुकी है, चावल भी बन चुके हैं, बस दाल में तड़का लगा दूँ और रोटियाँ बना लेती हूँ।
और सुबह मैंने सूजी का हलवा बनाया था प्रसाद में, तो वही हलवा भी रखा हुआ है। और ये नारियल हमने बहुत सारे तोड़े हैं, तो दिनेश वही तोड़ कर खा ले रहा है क्योंकि दिनेश को लगी है भूख। और इसे कच्चा नारियल बहुत पसंद है, ये जो ताज़ा नारियल हम तोड़ते हैं ना, दिनेश को बहुत ही पसंद है। तो ये देखिए इसका तोड़ने का तरीका, देखिए ये तो टूटेगा ही नहीं इसे कैसे भी। ये देखिए इसे कड़ची या फिर किसी चीज़ से इसे निकाल के ही खाना पड़ेगा, इसे ये टूट नहीं रहा है। तो मैंने निकाल कर गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब सुबह का टाइम है, मेरी नित्य पूजा हो गई है और आधा खाना बन चुका है, अभी आधा बनाना है। मतलब अब मैं बना रही हूँ सेवई, सब्जी रोटी सब बना है, सेवई खाने का मन हो रहा था तो सेवई बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है, फिर बाद में याद आ गया कि मुझे दूध में ही सेवई बनानी है, तो थोड़ा सा पानी मैंने कम कर दिया। अब हम इसमें दूध डालेंगे, यहाँ पर एक गिलास पानी और एक गिलास दूध मैंने साथ में ही रख दिया है। और ये देखिए मेरे काम कुछ ऐसे होते हैं, सारा दूध देखिए उबल गया, तो खुद से अपने काम में खुद से ही बढ़ा लेती हूँ। आधे काम तो लग जाते हैं, फिर आधे में खुद भी बढ़ा लेती हूँ, तो इस तरह से हो जाता है। दूध मेरे हाथ से नहीं, पता नहीं क्यों दूध बार बार उबलता रहता है और गैस से गंदी होती ही रहती है, तो कोई बात नहीं, रहने देती, साफ हो जाएगा बाद में। पहले मैं सेवई बना लेती हूँ। जैसे इसमें उबाल आ गया, मैंने इसमें सेवई डाल दी है, अब हम इसे पकने देते हैं। अब हम इसमें अभी थोड़ा सा दूध डालूंगी क्योंकि जो दूध मैंने डाला था वो सारा उबल गया है, तो जितनी सेवई पकने के लिए दूध चाहिए उतना तो डालूंगी मैं। फिर बाद में अभी एक गिलास मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है। अब डालेंगे हम इसमें चीनी, तो ऐसे 2 से 4 चम्मच मैंने चीनी इसमें डाल दी है। अब डालेंगे घी, तो थोड़ा सा घी डाल दिया है, बाद में अभी थोड़ा सा डालूंगी जिससे सेवई पकने के बाद, ताकि घी की अच्छी सी बड़ी ऐसी खुशबू आए। तो ऐसे इसे पकने देते हैं थोड़ी देर मिलाकर। तो कभी कभी मैं ऐसे काम कर ही लेती हूँ, चाहे चाय रख देती हूँ, दूध रख देती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे हाथ से उबल ही जाता है और पूरी गैस गंदी हो जाती है। तो इसे सेवई पकने के बाद मैंने अभी 1 चम्मच घी इसमें डाल दिया है और थोड़ी देर हम इसे धीमी गैस पे पका लेंगे। अभी हम इसमें ड्राई फ्रूट या फिर इलायची पाउडर ये सब भी डाल सकते हैं, मगर अब कुछ डालूंगी नहीं, सेवई बन चुकी है, बहुत सारा घी डाला है तो बहुत ही बढ़िया सेवई लगेगी। तो सेवई बन चुकी है, पहले मैंने गैस क्लीन कर दी क्योंकि ऐसी गंदी गैस अच्छी भी नहीं लगती है, तो मैंने तुरंत ही गैस क्लीन कर दी। अब हम लंच कर लेते हैं, सेवई बन चुकी है। हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि 7:30 बज रहे, अभी दूध नहीं आया है, आज दूध का वेट कर रहे हैं, डेली 7 बजे दूध आ जाता है। अब दिनेश कॉलेज में है, उसके लिए सब्जी चपाती बन चुकी है। सुबह 4:30 बजे से मेरा रूटीन शुरू हो जाता है, पूरे घर में झाड़ू लग चुके हैं, साफ सफाई क्लीनिंग के सारे काम हो गए, तो मैं नहाकर आ गई और टीवी पर सत्संग चल रहा है। सत्संग देखते देखते मैं अपने काम कर लेती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में, बहुत ही अच्छा बताते हैं। तो दूध का ही वेट कर रही थी मैं, तो अभी दूध तो नहीं आया है, तो और कुछ काम है तो देख लेते हैं, क्योंकि चाय पीने से मेरी दिन की शुरुआत होती है, नहाते ही चाय पी लेती हूँ। अभी पूजा तो नहीं हुई इतनी जल्दी, अभी दूध गर्म हो जाए, चाय बन जाए ना, मैं पूजा कर लेती हूँ। तो अभी फूल वगैरह तोड़ कर ले आने हैं, और दिन के लिए आज देने के लिए आलू की सब्जी और चपाती बनाकर दे दी। दिन अभी भी कॉलेज गए हैं, तो ये सारे किचन भी समेट ली, क्योंकि खाना बनने के बाद ना बहुत फैला फैला हो जाता है, सब समेट के भी नहाने के लिए चली गई थी, तो ये दूध आ जाए तो चाय पी के लग जाते थे काम में, अभी दूध नहीं है तो रहने देते, कुछ और काम कर लेते, फूल वगैरह तो ऊपर ले आती हूँ। तो ये घर में बहुत सारे काम होते हैं छोटे छोटे, किसी काम का हमें किसी भी चीज़ का वेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बस लग जाओ लगे रहो, काम जो है ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, बहुत सारे छोटे छोटे काम रहते हैं हमें घर में किचन में। तो सोमवार के दिन हमने भगवान शिव का अभिषेक किया था, तो बहुत सारे नारियल तोड़े थे उस दिन, तो ऐसे ही मैंने फ्रिज में रख दिए, तो उस नारियल का मैं आज कुछ तो कुछ बनाकर रख दूंगी, जैसे थोड़े दिन के लिए टिक जाए हो, तो मैं सोचती हूँ उस नारियल का कुछ ऐसा बनाकर रख दूँ जो 3-4 महीने तक टिक जाए। जैसे बारिश का मौसम है, जो तोड़े हुए ताज़े नारियल रहते हैं वो रह नहीं पा रहे, खराब हो रहे, चिपचिपे से हो जाते, फ्रिज में भी रखने की वजह से भी नहीं रह पा रहे। बहुत सारे नारियल मैंने फ्रिज में रख दिए कल, क्योंकि कल हो नहीं पाए, कल और ही बहुत सारे काम थे, क्योंकि पूजा वगैरह हुई थी ना, तो बहुत सारे काम रह गए थे, सब सबमिट ना करना, ये सब बहुत हो गया था, तो
देखिए इतने नारियल थोड़े से मैंने बाढ़ दिए सब में, अभी इतना बच गया है तो मैं सोच रही हूँ इसका कुछ बना कर रख दूँ, नहीं तो ये चिपचिपे ही, देखिए एकदम वाइट एंड वाइट है अब तो, अगर ये भी दो दिन रखूँगी तो ये चिपचिपे हो जाएंगे और पीले होके ख़राब हो जाएंगे। तो इसका मैं कुछ ना कुछ, जैसे मार्केट में मिलता है ना नारियल का मुरादा जिसे हम रख कर 3-4 महीने रख सकते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से कुछ बना कर मैं इसे रख दूँगी स्टोर करके, क्योंकि ऐसे नारियल सूख नहीं पाते हैं बारिश का मौसम है तो नारियल सूख नहीं पाते हैं, इन दिनों ख़राब हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ हाँ जिसका मैं करूँगी, तो इसलिए सारे काम जल्दी निपट गए मेरे। और अब सुबह के 7:30 बज रहे, दूध भी नहीं आया, तो अब मैं सोच रही हूँ पहले पूजा कर लूँ, फिर लंच बनेगा, फिर मैं ये काम करूँगी। तो चलिए फूल तोड़ के ले आती हूँ पहले। तो पहले तो हमें नारियल सारे स्टीम करने के लिए रख देते हैं, तो कड़े में मैंने पानी ले लिया है और इस पर एक थाली ढक दूंगी ताकि इसमें उबाल आ जाए, तब तक मैं यहाँ पर छन्नी में सारे नारियल ले लूँगी। और ये नारियल अभी अच्छे हैं, इसी से तोड़े हुए 3रा दिन है आज, सोमवार के दिन हमने अभिषेक किया था, कल मंगलवार था, आज बुधवार है, तो 3रा दिन है, तो ये नारियल अभी तो अच्छे हैं, मगर अभी 2 दिन रखूँगी ना पूरे ख़राब हो जाएंगे, तो इससे पहले मैं इसका कुछ ना कुछ बना कर रख दूँगी जैसे 3-4 महीने आराम से टिक जाए। तो इधर मैंने काली चाय बनने के लिए रख दी है, क्योंकि दूध का वेट कर रही थी, दूध नहीं आया है तो काली चाय बना लूँगी। तो इस पानी में अच्छे से उबाल आ गई, मैंने ये छन्नी इसमें रख दिए, अब ऊपर से हम इसे अच्छे से ढक देंगे। ये 10 से 15 मिनट अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो काफी गर्म है तो थोड़ा सा आराम से निकाल रही हूँ, तो ये देखिए मैंने निकाल दिया है, काफ़ी गर्म नारियल है अभी, ठंडे होने देते, तो थोड़े से ठंडे हो गए, अब मैं सारे नारियल निकाल लेती हूँ। इसके जो छिलके एकदम सख्त होते हैं तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मगर इस तरह से स्टीम करेंगे ना तो तुरंत ही निकलेंगे, इससे ज़्यादा आसानी से निकल जाते हैं, आप देख सकते हो। थोड़ा सा कड़ची से मैंने इसे छुड़ा लिया है तो तुरंत ही निकल रहे, तो मैंने सारे नारियल इसी तरह से निकालूंगी। तो देखिए एकदम आसानी से सारे नारियल के छिलके अलग हो गए हैं, तो अब हम ये थोड़ा सा स्टीम करने की वजह से थोड़े से गीले गीले हो गए, तो अच्छे से हम इसे पोंछ लेते हैं कॉटन के कपड़े से। तो इसका सारा पानी अच्छे से मैंने साफ कर लिया है, अब हम इसका जो काला वाला छिलका है वो सारे निकाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर ये कद्दूकस करने का जो ले लिया है ग्रेटर, और इसके ऊपर हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे, तो इसका जो भी काला हिस्सा है वो सारा निकल जाएगा एकदम आसानी से। फिर मैं इसे पानी में डालकर रख दूँगी थोड़ी देर, और मैं पी ले रही हूँ चाय, क्योंकि दूध बाद में आया था, तो सुबह काली चाय बनाकर पी ली थी मैंने, फिर बाद में दूध आने के बाद दूध गर्म हो गया, फिर मैंने चाय भी बना ली, मैंने पानी में रखी हुई चाय पी के मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ। अभी मुझे दोपहर का लंच भी बनाना है, तो लंच में मैं आज मूंग दाल की एक यूनिक सी रेसिपी बनाऊंगी, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो मैंने ये रेसिपी कैसे बनाई आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब मैं सब कुछ इसी वीडियो में दिखाऊंगी, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और ये वीडियो 3 दिन से चला आ रहा है, इसलिए इस वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ और मिलते हैं जैसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी न्यू वीडियोज़ न्यू व्लॉग्स आपको डेली मिलते रहें। तो मैंने ये रेसिपी कैसे बनाई आपने आप ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर ये नारियल का मुरादा भी मैंने कैसे बनाया जो 3-4 महीने आराम से टिक जाएगा, तो ये सब कुछ आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल मिस मत कीजिए, बहुत ही काम की चीज़ें हैं ये।